हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 5 फरवरी 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आज 4 और 5 फरवरी दोनों की जो न्यूज है, द हिंदू और पीआईबी की, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज सबसे पहले जो न्यूज आई है वो आई है कुसुम स्कीम के बारे में। तो इस स्कीम के बारे में जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम एक बार यहाँ पे नोट डाउन करके, एक सेकंड नोट डाउन कर लेते हैं सारे पॉइंट जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो कुसुम स्कीम है, इसका मतलब है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो यह स्कीम मेनली किसानों की जो हालत है हमारे देश में उसको बूस्ट करने के लिए है, क्योंकि किसान लोग हैं वो, आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मेनली सिंचाई के लिए उनकी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सिंचाई को बूस्ट करने के लिए, मतलब क्या कि सोलर फार्मिंग है उसको बूस्ट किया जा रहा है। क्योंकि देखो, सिंचाई के लिए क्या, आपको पता है कि सोलर पंप्स का आजकल गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है, ताकि गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो भी पूरा कर सके और इसी के साथ किसानों की इनकम वो भी सुनिश्चित कर सकें। तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने प्रावधान रखा है कि भाई 28,250 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाएगी सोलर एनर्जी के तहत। और इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि जो बंजर भूमि है किसानों के पास की, जिस भूमि का कोई यूज नहीं हो रहा है, उस भूमि पर सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे ये फायदा होगा कि किसानों को जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वो तो उतनी यूज कर लेंगे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करेंगे उसको वो एक्चुअली ग्रिड वगैरह को बेच सकेंगे। तो नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आता है। अब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली बेचेंगे तो उनको अर्निंग वो भी बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, उनकी एक्स्ट्रा इनकम होगी और इसी के साथ गवर्नमेंट का जो प्रावधान रखा गया कि इनकम को डबल करना है 2022 तक, उसमें भी काफी हद तक सफलता मिलेगी। अब इस स्कीम के मेनली दो इंपॉर्टेंट घटक है वो देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे तीन गलती से दो इंपॉर्टेंट घटक किए हैं। पहला तो यह है कि सोलर प्लांट्स की गवर्नमेंट है सोलर प्लांट लगेगी। इसके बाद में होगा कि गवर्नमेंट है वो सोलर पंप को क्या करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। अब देखो, सोलर पंप की सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट भी फंड देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें फंड है वो प्रोवाइड करेगी। अब हर एरिया के अलग अलग है तो वो सार तो हमें याद नहीं रखना है। इसके बाद में गवर्नमेंट ये कहेगी कि भाई जिन एरियो में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उस इलेक्ट्रिसिटी को किसी पावर ग्रिड को किसान बेच देंगे और फिर उससे किसानों की इनकम है वो भी बढ़ेगी और किसान है वो सोलर पंप को आराम से यूज कर सकेंगे। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा कुसुम स्कीम हो चलाई गई है। ये भी नए बजट में इसको प्रावधान किया गया और गवर्नमेंट ने इसके लिए फंड है वो एलोकेट किया है। तो उसको लेके ये न्यूज आई थी। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो है MIT के बारे में। तो देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन थेरेपी के बारे में, और इसके साथ कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने थ्री पेरेंट्स बेबी को अलाउ किया है, तो उसी को लेकर है। अब देखते हैं थ्री पेरेंट्स बेबी होता क्या है और क्या ये जो MRT टेक्नोलॉजी आई है। थ्री पेरेंट बेबी का मतलब ये होता है कि देखो, नॉर्मली बेबी के लिए दो कंडीशन होती है, मतलब एक तो मेल और फीमेल के जो एक तो स्पर्म और एक जो एग है उनका यूज किया जाता है, और उसकी सहायता से क्या है कि जो एग है उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है। तो वो सारी प्रोसीजर होती है अगर IVF की यूज की जाती है तो उसको कहते हैं नॉर्मली IVF टेक्नोलॉजी। इसी के साथ अगर कई बार क्या होता है कि जैसे वुमेन का जो एग होता है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से क्या कि थर्ड जो वुमेन है उसकी हेल्प ली जाती है कि किसी दूसरी वुमेन की, सॉरी, और उस वुमेन का माइटोकॉन्ड्रिया वो शिफ्ट किया जाता है। तो MRT टेक्नोलॉजी ये है कि इसमें जो भी महिला है अगर उसका किसी एग में कोई भी दिक्कत है उस एग को क्या है कि दूसरी महिला के एग से रिप्लेस कर दिया जाएगा, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको रिप्लेस किया जाएगा, मेरी पूरे एग को रिप्लेस नहीं किया जाएगा। मतलब ये सर, एक बार थोड़ा मैप से थोड़ा फोटोज से मैं क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड। ये सारी प्रोसीजर है इसमें कि जो भी एग है वो अगर सही नहीं है, जो फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल जो एग है उसमें क्या कि जो फॉल्टी जो माइटोकॉन्ड्रियल है उसको हटा दिया जाएगा और फिर दूसरे जो डोनर एग जो महिला है वो एक्चुअली अपना जो एग है वो डोनेट करेगी और उस एग का माइटोकॉन्ड्रिया वो यूज किया जाएगा। तो एक साइड क्या होगा, एक तो एग हो गया वो हो गया मेनली पेरेंट्स से इनका, और दूसरा हो गया वो होगा वुमेन का। तो इस प्रकार इसमें तीन पेरेंट्स होते हैं तो इसलिए इसको थ्री पेरेंट्स बेबी भी कहा जाता है। तो ये अभी UK की गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ी ध्यान में रखनी है। और इसमें होगा क्या, इसमें होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस किया जाएगा, तो उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन थेरेपी। अब इसमें देखो, एक चीज हमें याद ध्यान रखनी है कि एक तो सबसे पहले अलाउ कहां किया है थ्री पेरेंट्स बेबी को, इसके बाद में कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे सेल का एक तरीके से पावर हाउस होता है, मतलब सेल को जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी वही प्रोवाइड करता है। तो ये चीज हमें थोड़ी यहां पे पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो IMLE कृषि डेक्स इंडेक्स के बारे में। तो क्या कृषि डेक्स इंडेक्स के बारे में देखते हैं। यह मेनली स्क्राइसेल और सिडबी के द्वारा एक पहला इंडेक्स है, MSE सेंटीमेंट्स इंडेक्स है, वो लॉन्च किया गया है। अब इस इंडेक्स के बारे में भी देख लेते हैं और पहले देखते हैं कि क्रेसिल और सिडबी है क्या। क्रेसिल है वो एक रेटिंग एजेंसी है, जो भी इंस्टीट्यूट होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उनको यह रैंकिंग देती है कि भाई उनकी हालत कैसी है। जैसे कि हमने पहले भी काफ़ी बार जो इंस्टीट्यूट है उनके बारे में डिस्कस किया है, तो उसी प्रकार ये एक क्रिस्टल है ये एक रेटिंग एजेंसी है। और सिडबी है वो इंडिया के जो स्मॉल इंडस्ट्रियल जो बैंकिंग सर्विस है वो प्रोवाइड करती है, मतलब जो स्मॉल जो इंडस्ट्रियल होती हैं उनको एक फाइनेंशियल एड है, लोन है वो देने का काम करती है सिडबी। तो इन दोनों के द्वारा क्या है, एक MSE माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो सेंटीमेंट इंडेक्स है वो जारी किया गया। इस इंडेक्स का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो नाम है कृषि डेक्स।
क्री का मतलब सी आ रही है वो इससे क्रिसेल से लिया गया है, और एस आई डी है वो सिडबी से लिया गया है, और ई एक्स का मतलब है एमएससी का जो इंडेक्स है वो। तो ये जानना कि क्रिसीडेक्स है क्या, ये मेनली क्रिसेल और सिडबी का एक जॉइंट एक तरीके से एमएससी सेंटिमेंट इंडेक्स है। इसमें होगा क्या, इसमें देखो ये होगा कि जो भी ये इंडस्ट्रीज होती है माइक्रो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज होती है इंडिया में, ये अपनी प्रोडक्शन और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी इस इंडेक्स की सहायता से कि भाई उनको दिक्कत कहाँ कहाँ आ रही है और कहाँ उनको प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, उसके आधार पर उनको रैंकिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि की जाएगी। मेनली हमने देखा कि माइक्रो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनके लिए इंडेक्स जारी किया गया है, और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 0 से 200 के बीच में से रैंकिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी, मतलब 0 से 200 के बीच में नंबर देंगे कि भाई इसके इतने नंबर है मतलब ये रैंकिंग ज़्यादा अच्छी है, 0 का मतलब कि एकदम थर्ड क्लास जो उसके थर्ड क्लास उसकी ग्रोथ है, और 200 का मतलब कि उसकी सर्विस काफ़ी अच्छी है और ग्रोथ भी उसकी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो उसको लेके आए। अब चलते हैं हम आगे, अगली एक छोटी सी न्यूज है वो आई है जल्लीकट्टू के बारे में। कंटेक्स्ट एक्चुअली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जल्लीकट्टू का केस था वो संवैधानिक बेंच को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफर किया है। किस लिए ट्रांसफर किया है, कि इस बात को लेके कि क्या जो जल्लीकट्टू है उसको मतलब रिलीजियस एक्टिविटी मान के एग्जम्पशन या छूट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए इसे छूट है वो दी गई है। तो मतलब छूट क्या दी गई है, अभी से संवैधानिक बेंच में मामला को ट्रांसफर किया गया है। तो एक तो यूपीएससी पूछ सकती है जल्लीकट्टू कहाँ से रिलेटेड है, जो कि मेनली एक बुल रेस है। इसके बाद में आते हैं हम देख लेते हैं कांबला, कांबला है वो मेनली एक बुफेलो रेस है जो कि कर्नाटका में आयोजित की जाती है, तो ये चीज हमें थोड़े ध्यान में होनी चाहिए। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो है क्वांटम डॉट, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो क्वांटम डॉट है वो एक्चुअली काफ़ी छोटे टीनी पर्टिकुलर्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे पार्ट्स होते हैं जो कि नैनो क्रिस्टल से बने होते हैं। नैनो क्रिस्टल मतलब सेमी कंडक्टर्स होते हैं, सॉरी उनसे बने होते हैं। नैनो क्रिस्टल उनकी साइज होती है, इनकी साइज देखा जाए तो इनका डायमीटर देखा जाए तो होता है 2 से 10 नैनोमीटर, जो कि बहुत बारीक होते हैं, मतलब 10^-9 मीटर से भी छोटे हैं इनकी साइज़ है। वो चीज़ हमें थोड़ी ध्यान होनी चाहिए। यूपीएससी ऐसे पूछ लेगी कि इनकी साइज़ है वो 2 से 5 सेंटीमीटर है, 1 से 2 सेंटीमीटर नहीं है, इनकी साइज है 2 से 10 नैनोमीटर के आसपास इनकी साइज है। और इनका यूज क्या होता है, इनका मेनली यूज है वो डिस्प्ले में किया जाता है, जो डिस्प्ले का बनाने में जो डिस्प्ले का होता है कि इसमें डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी होती है। जैसे कि हमने पहले एक बार दो बार डिस्कस किया, जो एलईडी होती है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है कंपेयर टू एलसीडी, उसी प्रकार ही एलईडी और एलसीडी उनसे एक एडवांस फॉर्म जो है क्वांटम डॉट्स टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम डिस्प्ले भी नई नई एलईडी वगैरह आती है, इनमें क्या होता है कि मोर क्लियरिटी है तो काफी ज्यादा होती है। तो ये चीज थोड़ी हमें ध्यान होनी चाहिए कि किससे रिलेटेड है और क्या है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो मेनली 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो उसके बारे में जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखो वेटलैंड डे है वो मेनली रामसर कन्वेंशन ईरान के तहत इनको मनाया जाता है। वो देखते हैं कि रामसर कन्वेंशन भी क्या है। रामसर है वो एक्चुअली ईरान की एक सिटी है जो कि कैस्पियन सी में है। तो एक कैस्पियन सी में जो सिटी है ईरान की रामसर, यहाँ पे कन्वेंशन हुई थी 1971 में, और उसमें ये प्रावधान रखा गया था कि जो भी आर्द्र भूमि है उनको सहेजगर में संभाल कर रखना है, उनका कंजर्वेशन है वो करना है, उसके लिए कन्वेंशन हुई थी। ये हमें ध्यान होना चाहिए। और इस बार के जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है 2018, इसकी थीम क्या थी वो देख लेते हैं। इस बार की थीम थी वो है वेटलैंड फॉर सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर, मतलब इस बार अर्बन एरिया पे फोकस किया गया था कि अर्बन एरिया है वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ वेटलैंड उन पर फोकस करेंगे। और रामसर कन्वेंशन क्या वो भी देखते हैं। रामसर कन्वेंशन है वो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, और उसका दूसरा नाम वो है वाटरफॉल हैबिटेट्स। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखने की वाटरफॉल हैबिटेट्स इसका दूसरा नाम भी है। इसके साथ ही हम देखते हैं मोनिटेक्स रिकॉर्ड क्या है। अब देखो इंटरनेशनल जो ट्रीटी है रामसर कन्वेंशन, इसी के तहत जो जो रामसर साइट्स बनाई गई हैं उनका एक एक्चुअली एक रिकॉर्ड एक रजिस्टर है, उसको कहते हैं मोनिटेक्स रिकॉर्ड। मतलब ये एक रजिस्टर है, इसमें सारी जो भी रामसर साइट्स हैं उनके बारे में मेंशन है, जिनका इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी महत्व है। और जो मतलब वेटलैंड की जो साइट्स हैं जिनका एक्चुअली जो क्या है आजकल डेवलपमेंट से काफ़ी इफेक्टेड हो रही हैं, या फिर पॉल्यूशन से प्रभावित हो रही हैं, या फिर ह्यूमन के जो इंटरफेरेंस होते हैं उनकी वजह से काफ़ी प्रभावित हो रही हैं, उन सबको एक्चुअली इसमें रजिस्टर में नोट डाउन किया गया है, वह है मोनिटेक्स रिकॉर्ड। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो है नेशनल हाईवे 1 के बारे में। तो इसके बारे में जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखो नेशनल हाईवे 1 है वो मेनली जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है जो इंडिया में चल रहा है, उसका ही एक पार्ट है, उसके एक स्टार्टिंग की गई है नेशनल वाटरवे 1 के बारे में। तो नेशनल वाटरवे 1 है वो मेनली इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में बनाया गया है, इलाहाबाद में हल्दिया से बीच में। कौन सी रिवर है, यह मेनली गंगा रिवर पर है। अब देखो गंगा रिवर का नाम अलग अलग होता है, एक तो होता है गंगा, भागीरथी और हुगली, ये भी हम देख लेते हैं। गंगा रिवर जब हिमालय से निकल के आती है तो उसके बाद में क्या है मैदानी एरिया में जो ही ये मतलब यूपी से क्रॉस करने के बाद आती है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट है इसका वो चला जाता है मेनली वेस्ट बंगाल के एरिया में, नहीं वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश के एरिया में, और दूसरा पार्ट हो जाता है वेस्ट बंगाल से डिवाइड होती है हुगली। तो अब देखो जो यहाँ से डिवाइड हो रही है रिवर, तो उसका जो पार्ट इधर बांग्लादेश में चला जाता है उसको तो मेनली कहा जाता है भागीरथी, और जो पार्ट इसका इंडिया से क्रॉस होता है उसको हुगली बोला जाता है। तो इन दोनों को नाम ऐसे, तो ये नाम भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गंगा रिवर को जब एक्चुअली जो ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो वहां इसका क्या नाम होता है।
ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसी के साथ बताना है कि जब ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उससे मिलती है उसके बाद भी इसका नाम क्या चेंज हो जाता है। तो मैं ये चीज हमें तो यहाँ पे ध्यान रखने की कौन कौन सी रिवर है, तो गंगा रिवर इसमें शामिल है। इसके बाद कौन कौन से स्टेट में प्रोजेक्ट चला है वो देख लेते हैं। इसमें यूपी शामिल है, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल है इसमें शामिल है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पे ये है कि जो जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड बैंक की हेल्प से चल रहा है, मतलब जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट है उसमें वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट वो दिया। तो ये चीज में ध्यान रखना की फाइनेंशियल सपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब थोड़ा यहाँ पे मैप है एक बार वो देख लेते हैं इसका, ताकि जो भी और क्लियरिटी है वो हमारी सर क्लियर हो जाए। और सबसे अहम बात क्या है, गवर्नमेंट ने भी एक सागरमाला प्रोजेक्ट चलाया था, अभी तो हम लोग क्या पिछले से पिछले साल चलाया हुआ सागरमाला प्रोजेक्ट है। इसमें ये प्रावधान है कि जो भी पोर्ट्स हैं इंडिया के उन पोर्ट की कनेक्टिविटी बूस्ट की जाए और पोर्टों को काफी बूस्ट करना है, और उसी के तहत नेशनल वाटरवे वन है जो कि मेनली गंगा रिवर के ऊपर है। और ये अभी डिस्कस करते हैं कि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में इसका डेवलपमेंट है वो किया जा रहा है, उस चीज को लेकर पॉइंट थी जिसकी लंबाई कितनी है नेशनल वाटरवे वन की, वो है 1620 किलोमीटर की, ये चीज का गंगा इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। और मेनली जो स्टेट कौन कौन से वो स्टेट भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि चार स्टेटों से क्रॉस होता है। अब चलते हैं हम आगे आगे देखो आज का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि NABS निर्माण स्कीम के बारे में आपको बताना है कि NABS निर्माण स्कीम है वो क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि राइज स्कीम के बारे में कि राइज स्कीम किस लिए है। और फिर तीसरा क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि एडोप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो आपको इसमें मिनिस्ट्री है वो बतानी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है TEQIP का जो थर्ड फेज है उसके बारे में आपको बताना है। तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट है वो चलाया गया है। दूसरा यह कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो मेनली मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है इस स्कीम में। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो इनिशियल जो इंस्टीट्यूशन जो परफॉर्मेंस है उसको इसमें ठीक किया जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट के बेसिस पे भी जो एक्चुअली रिफॉर्म हो सकते हैं गवर्नमेंट उन रिफॉर्म पर भी फोकस करेगी। मतलब मेन बात तो ये है कि क्वालिटी को इंप्रूव करना है उसके लिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पे भी फोकस किया जाएगा और जो स्टूडेंट है उनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा, मतलब एकेडमिक जो रिसर्च है वगैरह है उन पे भी फोकस किया जाएगा। तो ये आपको बताना कि इसमें तीनों में से कौन सा ऑप्शन है वो सही है। और एक क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ पे कि गंगा रिवर का नाम, तो टोटल पांच क्वेश्चन है इनका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने सबसे पहले कुसुम स्कीम के बारे में डिस्कस किया जो कि मेनली किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान है। यह मेनली सोलर फार्मिंग को प्रमोट करने के, मतलब ये कि किसानों की इनकम बढ़ानी है इसके लिए गवर्नमेंट चाह रही है कि जो सोलर प्लांट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए और सोलर एनर्जी का किसान है वो यूज कर सकें। अगली न्यूज थी वो थी थ्री प्रिंट्स बेबी के लिए, तो यूके की गवर्नमेंट ने भी एक्चुअली MRT टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हुए थ्री प्रिंट्स बेबी है उसको अलाउ किया है। माइटोकॉन्ड्रिया वो हमने डिस्कस किया कि हमारी सेल होती है जो कोशिका होती है उसका पावर हाउस होता है, उसके एनर्जी प्रोवाइड करने का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसलिए सेल के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हमने देखा कि कृषि डेक्स इंडेक्स है जो कि मेनली एक MSME सेंटीमेंट इंडेक्स है जो कि जो माइक्रो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बूस्ट करने के लिए उनकी जो ग्रोथ रेट को चेक करने के लिए। इसके बाद हमने देखा कि जल्लीकट्टू है वो मेनली एक बुल रेस है तमिलनाडु की, और कांबला है वो एक बफेलो रेस है कर्नाटक की। इसके बाद हमने क्वांटम डेक टेक्नोलॉजी के बारे में जाना जो कि मेनली डिस्प्ले वगैरह में यूज की जाती है एक मोर क्लियरिटी के लिए, काफी अच्छी क्वालिटी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये सेमीकंडक्टर से बने होते हैं और साइज इनकी काफी छोटी होती है, मतलब टिनी पार्टिकल्स होते हैं, साइज है इनकी होती है 2 से 10 नैनोमीटर के बीच में। आगे हमने देखा कि वर्ल्ड वेटलैंड है 2018 की थीम है वो देखिए, हमने वेटलैंड्स फॉर द सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर इसकी थीम है। रामसर कन्वेंशन के बारे में हमने जाना और रामसर है कहाँ पे, ईरान का एक शहर है जो कि कैस्पियन सी में है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना, यूपीएससी पूछ सकती है इस द फॉलोइंग में। इसका दूसरा नाम भी हमने डिस्कस किया वाटरफॉल हैबिटेट्स का दूसरा नाम है। इसके साथ ही हमने मोनिटेक्स रिकॉर्ड डिस्कस किया है। मोनिटेक्स रिकॉर्ड क्या है, यह मेनली जो भी रामसर साइट्स हैं उनका एक रजिस्टर है कि जिसमें सारी रामसर साइट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है और जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज या जो पॉल्यूशन वगैरह से इफेक्टेड हो रही हैं। इसके बाद में हमने नेशनल वाटरवे वन के बारे में डिस्कस किया जो कि मैंने गंगा रिवर पे बनाया हुआ है और गंगा रिवर के हमने अलग अलग नाम है वो डिस्कस किए। और यह इंपॉर्टेंट बात है कि जल विकास जो प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्टेड है, और ये बाकी जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए और चार स्टेट्स में शामिल है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।